सोलर एनर्जी क्षेत्र में आपसी साझेदारी, क्योंकि इससे पहले भी जब सीईओस के साथ मुलाकात हो रही थी तो फर्स्ट सोलर के सीईओ से प्रधानमंत्री मिले थे, कैसे क्लीन एनर्जी की तरफ तमाम मुल्क बढ़े उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी कॉन्शियस हैं, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या जो गरीब मुल्क हैं वो क्लीन एनर्जी को लेकर उत्सुक नहीं रहते हैं, लेकिन पीएम ने हमेशा ये पहल की है। प्लास्टिक बैन से लेकर उन्होंने हर मुद्दे पर ये किया है। एजुकेशन, नॉलेज और वीजा पॉलिसी, ये सब पर भी बातचीत हो सकती है, जिसका कंसर्न अभी कई भारतीयों ने यहां पर भी उठाया वीजा को लेकर। 7 साल में मोदी का ये 7वां यूएस दौरा है, वो आपको एक बार सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं। 2014 में पीएम बनने के बाद पहला यूएस दौरा, जब वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन गए थे और वहां पर मैडिसन स्क्वायर में उनका भाषण हुआ था। तस्वीरें आ गई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से बातचीत कर रहे हैं, अब तस्वीरें आ रही हैं, उनके विजुअल्स आप देख रहे हैं इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच बातचीत हो रही है। तो हमने आपको बताया था अक्सर जो पहले प्रधानमंत्री के दौरे होते थे उसमें वो मैडिसन स्क्वायर या अलग अलग जगहों पर बहुत बड़े कार्यक्रम होते थे, यूके भी जाते हैं तो वेम्बली में वो पहुंचते हैं, एनआरआईस का एक समूह वहां पर जो होता है, लेकिन इस बार कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से ऐसा कोई आयोजन नहीं किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बाइडेन के साथ ये बायलैटरल मीट ही पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उन सबके लिए चर्चा का विषय जरूर बना हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन के साथ किस तरह की केमिस्ट्री, आपको बता दें इससे पहले जब वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन तब उन्होंने होस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला ऐसा मौका होगा जब वो उनके साथ होंगे। कुछ और मेहमान अगर हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो हम उन्हें भी शामिल कर सकते हैं ताकि हम उनसे बातचीत कर सकें। फिलहाल आपको बता रहे हैं, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन के साथ मुलाकात करते हुए व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में ये चर्चा इस वक्त चल रही है। 2014 में मैडिसन स्क्वायर पर उनका भाषण हुआ था, संयुक्त राष्ट्र में संबोधन 2015 में जब वो प्रमुख टॉप सीईओ से मिले थे, टेस्ला, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों का उन्होंने दौरा भी किया था। उसके बाद 2016 में परमाणु सुरक्षा समिट में हिस्सा लिया, 2016 में ही जून में अमेरिकी संसद में संबोधन हुआ उनका, 2017 में ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई, व्हाइट हाउस में डिनर हुआ और हाउडी मोदी कार्यक्रम में 2019 में वो पहुंचे थे, प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया था, बहुत बड़ा इवेंट था। और 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात, क्वाड देशों का ये सम्मेलन, ये तमाम संकेत साफ हैं, भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ते कद का ये प्रतीक है और किस तरह से रिश्ता अमेरिका भारत के साथ ले जाना चाहता है। कुछ ही देर में बातें सामने आने लगेंगी कि आखिर किन विषयों पर चर्चा हो रही है, और ये भी माना जा रहा है कि एक प्रेसर करके जानकारी दी जा सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बैठ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन मीडिया के भी सामने आ सकते हैं और उनसे बातचीत हो सकती है। तो हमें इंतजार रहेगा कि किन मुद्दों पर चर्चा आखिरकार होती है, लेकिन अफगानिस्तान पर तो पहले से ही कमिटमेंट जो बाइडेन का हो गया है, उन्होंने कहा था कि इस पर बातचीत होगी। चाइना, चाइना एंटी चाइना स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए पूरे इलाके में, इस पर चर्चा हो सकती है। सैयद जफर इस्लाम और अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम आइए, आप लोग अगर बोलना चाहते हैं तो आइए 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 आइए। सैयद जफर इस्लाम बीजेपी की तरफ से और अभय दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुंच गए हैं और उनकी इस वक्त जो बाइडेन के साथ मुलाकात हो रही है, और आपके हाथ में तो तिरंगा ही है सर, क्या कहने हैं, बोलिए। वी लव मोदी जी, वी लव, वी आर हियर फॉर यू। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। बर्थडे तो बीत गया उनका, बर्थडे बीत गया, मुझे लगा आज है। वेल, वेलकम टू यूएसए, हमें गुजराती चाहिए, यूएसए में वेलकम, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, वी आर वेरी प्राउड दैट यू हैव पार्टनरशिप, यू कैप पार्टनरशिप विथ यूएसए, थैंक यू, सो प्राउड ऑफ यू मोदी जी, वेलकम टू यूएसए, वेलकम टू यूएसए मोदी जी, वी आर सो प्राउड, गुजराती कपड़े भी पहने, वी आर वेलकमिंग यू एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया वेरी प्राउडली। तिरंगा उठाइए, आप तो गरबा भी करती हैं, हम यही कर सकते हैं, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जोश है। मोदी जी वेलकम, अभी गुजराती गरबा करने वाले हैं, गरबा।
देखिए ये भारत का ही रंग हो सकता है कि गरबा जहाँ पर भी हो भारतीय शुरू हो जाते, संस्कृति है ये हमारी। मैम कैमरे के आगे से प्लीज, क्या संस्कृति है और वो रंग है जो जोश दिखाई दे रहा है। सभी तैयार होके आज छुट्टी लेकर इत्मीनान से पूरा दिन यहीं बिताने वाले, पूरा दिन हाँ छुट्टी के साथ। सैयद जफर इस्लाम साहब, सबकी नजर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर बातचीत कर रहे हैं जो बाइडेन से, क्या कुछ निकलता है अफगानिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ, कैसी साझा रणनीति बनती है, इन सब पर नजर रहेगी। देखिए अंजना जी, अगर आप मेरी बात सुन रही है तो वैसे तो पूरी दुनिया की नजर है, पूरे हिंदुस्तान की नजर है कि जो बाइडेन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जो वार्तालाप चल रही है, लेकिन वो अभी अंदर चल रही है। बाहर में जो आप जो इस जो माहौल बना के रखा है आपने अमेरिका में, सब लोगों के साथ गरबा उरबा कर रही है, इस पे भी काफी लोगों की नजर है, आप पे भी नजर है कि आप इस गरबा में क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ये जो हमारी जो आप सुन पा रही है अंजना जी, बिल्कुल आ रही आवाज सर, यहाँ पे सब आज तक के फैन पहुंच गए हैं सर में, तो मैं सबको सेल्फी भी लेनी रहती है। नहीं नहीं, वो आपके भी एक्सक्यूज मी, थैंक यू। तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि देखिए वहाँ बाहर अमेरिका के सॉइल पे, अमेरिका के मिट्टी में देश की खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू आ रही है जहाँ गरबा हो रहा है, लोग कुछ है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देखिए देश में भी हो रहा है, देश में लोकप्रियता है ही है लेकिन विदेश में भी इस तरह की लोकप्रियता है। हालांकि चैनल पे हमारे अभय दुबे जी है, दिल से खुश है, ऊपर से नाराज दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ अंजना जी कि देखिए मौका है, आप भी थोड़ा गरबा कीजिए, आपको भी देश देख रहा है और इस जो खुशबू आ रही है वहां पर, मट्टी है अमेरिका की लेकिन देश की खुशबू वहां जो आ रही है, इसलिए कि भारतीय संस्कृति के लोग हैं वहां, भारतीय संस्कृति बिल्कुल साफ दिख रही है, मुझे भी मजा आ रहा देख के कि आप वहां पर हैं। लेकिन आज जो सबसे ऐतिहासिक बात जो हो रही है जो बाइडन और प्रधानमंत्री के बीच में, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है देश की वजह से, इसलिए कि जो पिछले दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ है जिसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका भी जिम्मेदार है कि अमेरिका ने जिस हालात में अफगानिस्तान को छोड़ा है, वो आज इस तरह के कॉन्वर्सेशन डिस्कशन, इसलिए कि हम विक्टिम है टेररिज्म के, इसलिए ये होना बहुत जरूरी था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ने जिस मजबूती से पक्ष देश का 7 सालों में रखा है, जिस तरह से देश को मजबूत किया है, जिस तरह वो खुद उभर के आए एक ग्लोबल लीडर की तरह, और जो उनकी लीडरशिप में जो जान दिखता है हिंदुस्तान मजबूत, एक कमजोर देश से मजबूत देश उभर के आया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से कमला हैरिस जी ने कहा कि हमारी पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है, हम सारे चीजों पे नजर रखते हुए पाकिस्तान को कंट्रोल करेंगे या पाकिस्तान पे नजर रखेंगे। मुझे लगता है आज की डिस्कशन बहुत प्रोडक्टिव होगी। अभय दुबे जी आपके पास भी आ रही हूँ कुछ ही देर में आ रही हूँ, क्योंकि आज अभय दुबे जी थोड़ा आप भी मुस्कुराइएगा, भारतीय यहाँ बड़े बहुत खुश है। लेकिन इससे पहले की चर्चा हम आगे बढ़ाएं, एक बार जरा सुनाते हैं आपको थोड़ा सा, अगर हम वहाँ पर जो आप बातचीत हो रही है उसकी आवाज सुना सके अपने दर्शकों को। आपको स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको काफी समय से जानते हैं और मुझे खुशी है कि आप वापस आज व्हाइट हाउस में आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते जो है आगे सुदृढ़ होते हैं। When I showed the Prime Minister to a seat, I pointed out that seat is occupied. And Mr. Prime Minister, we're going to continue to build on our strong partnership. आपका स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको काफी समय से जानते हैं और मुझे खुशी है कि आप वापस आज व्हाइट हाउस में आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते जो है आगे सुदृढ़ होते हैं। When I showed the Prime Minister to a seat, I pointed out that seat is आपका स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको काफी समय से जानते हैं और मुझे खुशी है कि आप वापस आज व्हाइट हाउस में आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते जो है आगे सुदृढ़ होते हैं।
Prime Minister to a seat. I pointed out that seat is occupied. And Mr. Prime Minister, we're going to continue to build on our strong partnership. आपका स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी. हम आपको काफी समय से जानते हैं और मुझे खुशी है कि आप वापस आज व्हाइट हाउस में आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते जो है आगे सुदृढ़ हो जाए. When I showed the Prime Minister to a seat, I pointed out that seat is occupied. And Mr. Prime Minister, we're going to continue to build on our strong partnership. आपका स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी. हम आपको काफी समय से जानते हैं और मुझे खुशी है कि आप 2020 in the United States would be one of the closest nations in the world. Dr. Sir, मैंने तो 2003 में ही बात कही जब मैं उस परीक्षा में उसी समय कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका जो है सबसे ज्यादा करीबी देश होंगे. Maybe I shouldn't. These are not part of my prepared remarks, but when I was in Mumbai as Vice President, when I showed Prime Minister to a seat, I pointed out that seat is occupied. And Mr. Prime Minister, we're going to continue to build on our strong partnership. आपका स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी. हम आपको काफी समय से जानते हैं और मुझे खुशी है कि आप वापस आज व्हाइट हाउस में आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते जो है आगे सुदृढ़ हो जाए. When I showed the Prime Minister to a seat, I pointed out that seat is occupied. And Mr. Prime Minister, we're going to continue to build on our strong partnership. Conference में तो प्रीवियन प्रेस ने मुझे बताया कि आप यहाँ पर पांच लोग हैं, तो उनका आखिरी नाम बाइडेन है. And although I've never admitted it jokingly, that I found out that there was a Captain George Biden who was a captain in the East India Tea Company. और मजाक नहीं, मैंने कहा कि हाँ एक जॉर्ज बाइडन थे जो कि इंडियन टी कंपनी में कैप्टन थे. That's hard for an Irishman to admit. I shouldn't be so casual. I hope you understand the humor here. But and the end result was that he apparently stayed and married an Indian woman. And I've never been able to track it down. So the whole purpose of this meeting is for him to help me figure out. तो मैं थोड़ा अनौपचारिक रूप से कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भारतीय मूल की महिला से शादी की थी और उसको ढूंढ नहीं पाया था. तो मुझे आशा है कि एक ना एक दिन हम उसका पता लगाएंगे. But all kidding aside, I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is casual. I hope you understand the humor. And the end result was that he apparently stayed and married an Indian woman. And I've never been able to track it down. So the whole purpose of this meeting is to help me figure out. तो मैं थोड़ा अनौपचारिक रूप से कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भारतीय मूल की महिला से शादी की थी और उसको वो नहीं पाया था. तो मुझे आशा है कि एक ना एक दिन हम उसका पता लगाएंगे. But all kidding aside, I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole world. लेकिन मुझे तो मैं ये कहूँगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध हैं, हम दोनों सबसे बड़े लोकतंत्र हैं पूरे विश्व में. इन्हें और ज्यादा मजबूत होना है, और ज्यादा करीब होना है, और एक दूसरे के साथ रहना है. And I think that's begun to come to pass. And today, we're launching a new chapter in the history of U.S.-Indian ties and taking on some of the toughest challenges we face together, starting with a shared commitment to ending COVID pandemic. तो ऐसा हुआ है और आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में. और इसका पहला काम है कि हम इस बड़ी महामारी कोविड-19 को समाप्त करने के लिए वचनबद्धता व्यक्त कर रहे हैं. Prime Minister and I were going to be talking today about what more we can do to fight COVID-19, take on the climate challenges that the world face, and ensure stability in the Pacific, including with our own Quad partners. So, आज प्रधानमंत्री और मैं इस बारे में बात करेंगे किस तरह से कोविड महामारी को दूर किया जाए, किस तरह से जलवायु संकट जो बना हुआ है उसको हम निपट सकें, और इंडो पैसिफिक में किस तरह से हम अपने आप को
सुरक्षित बना सके। Of course, our partnership is more than just what we do. It's about who we are. We have our shared responsibility to uphold democratic values, our joint commitment to diversity, and it's about family ties, including 4 million Indian Americans who make the United States stronger every single day. हमारी जो आपस में पार्टनरशिप है हमारी सहभागिता है उससे कहीं ज्यादा है। हम जानते हैं कि हम लोग कौन हैं और हम चाहते हैं कि इसमें एक विविधता हो, एक हमारे आपस में पारिवारिक संबंध है, क्योंकि 4 मिलियन हाँ जी 4 मिलियन भारतीय मूल के लोग हैं जो यहाँ पर हमें हमारे देश को ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। As the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we're all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters. First of all, Mr. President, I would like to express my gratitude for this very warm welcome, full of friendship, not only to me but to my delegation. 2016 में और 2014 में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला था और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों का आपका जो विजन है जिसको आपने शब्दबद्ध किया था वो वाकई बहुत ही प्रेरक था और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। मिस्टर प्रेसिडेंट, इन 2016 एंड इवन बिफोर दैट इन 2014 वी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू हैव डिस्कशन इन डिटेल एंड एट दैट टाइम मिस्टर प्रेसिडेंट यू हैड लेड आउट योर विजन फॉर द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स and you had enunciated that in great detail, and really that was a vision that was inspirational. And today, Mr. President, as President, you are making all efforts and taking initiatives to implement that vision, and I warmly welcome that. आपने भारत में बाइडेन सर ने के लोगों के संबंध में अपना डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था। तो बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है, कागजात में लेकर के भी आया हूं, हो सकता है शायद उस पर से कुछ आगे का निकल आए शायद। I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce. ये मैंने अपनी शुरुआती टिप्पणी में लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं मुंबई में था वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, तो मैं उस समय चेंबर के अध्यक्ष से मिला था। And afterwards, Well, after you mentioned it to me, I hunted for documents, and today I have brought along some documents. Maybe we'll be able to take this matter forward, and maybe those documents could be of use to you. Are we related? Yes. Excellency, आज की हमारी ये bilateral summit. लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आई फर्मली बिलीव दैट इन आवर समिट टॉक्स एंड समिट मीटिंग टुडे, व्हाट आई सी इज दैट दिस इज द थर्ड डेकेड ऑफ द 21st सेंचुरी, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द थर्ड डेकेड, एंड आई सी दैट व्हेन आई लुक एट द एंटायर डेकेड, आई फाइंड दैट अंडर योर लीडरशिप The seeds have been sown for the Indo-US relations to expand, and for all democratic countries in the world, this is going to be a transformative period. I can see that very clearly.
जब भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं, तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्म्य और अधिक बढ़ेगा। And this is when I see that this transformative period is in Indo-US relations. And when I talk about traditions, I'm talking about democratic traditions, democratic values, traditions to which both our countries are committed. And I find that importance of these traditions will only increase further. उसी प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्म्य और अधिक बढ़ेगा। And this is when I see that this transformative period is in Indo-US relations. And when I talk about traditions, I'm talking about democratic traditions, democratic values, traditions to which both our countries are committed. And I find that importance of these traditions will only increase further. उसी प्रकार से आपने उल्लेख किया, 4 मिलियन से अधिक लोग भारत के अमेरिका के विकास यात्रा में सहभागी हैं। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है, पीपल टू पीपल, ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा और भारत के टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती जाने जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। In a similar vein, Mr. President, you mentioned the more than 4 million Indian Americans who are participating in the journey of progress of America. And when I look at the importance of this decade and the role that is going to be played by this talent of the Indian Americans, I find that this people-to-people talent will play a greater role, and Indian talent will be a full partner in this relationship. And I see that your contribution is going to be very important in this. उसी प्रकार से दुनिया में सबसे ज्यादा driving force बन रही है technology. इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारे टैलेंट टेक्नोलॉजी को माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा। Mr. President, in similar lines, the most important driving force in the world today would be that of technology. And the technology that is going to be for the service and for the use of humanity. And I find that opportunities for this are going to be tremendous. उसी प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका पास है तो भारत को जरूरत है, बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं, तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। सिमिलरली मिस्टर प्रेसिडेंट, बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड विल कंटिन्यू टू अज्यूम इम्पोर्टेंस एंड वी फाइंड दैट द ट्रेड बिटवीन आवर टू कंट्रीज आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटरी। There are things that you have and there are things that we have, and then we in fact complement each other. And I find that in the area of trade during this decade, that is also going to be tremendously important. Mr. President, आपने अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे,
ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लैनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लैनेट को हमने सुदृढ़ करना होगा और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लैनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। Planet, and this decade, Mr. President, from that point of view, is also going to be important as this entire principle of trusteeship. It means that the planet that we have to bequeath it to the following generations, and this sentiment of trusteeship is going to assume more and more importance globally, but also between the relations between India and the United States. And it is these ideals that Mahatma Gandhi espoused, where he talked about trusteeship of the planet and where the responsibility of global citizens is only going to go up. और राष्ट्रपति जी जैसे कि विषयों का आपने उल्लेख किया है, सारे विषय महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपने पदभार संभालने के बाद चाहे कोविड हो, क्लाइमेट हो या क्वाड हो, हर एक में एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव लिया है और मैं समझता हूं ये यूनिवर्सिटी ये जो आपका इनिशिएटिव है आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करेगा और मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत में भी इन सारे विषयों को हम विस्तार से विचार विमर्श करके हम कैसे साथ कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए भी और दोनों मिलकर दुनिया के लिए भी क्या कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में आज की चर्चा बहुत सार्थक रहेगी। Mr. President, you mentioned very important issues, and after assuming charge as President of the United States, you have taken very unique initiatives, whether that be COVID-19, climate change, or even Quad. And in the days after that, after taking this initiative, you have made and deployed great efforts to bring them to implement your vision. And also today we have this opportunity to discuss all these issues in great detail. How and after our discussions, we will look towards how we can work further together, not only for our respective countries, but for the entire world, how we can take positive action. And I am I'm absolutely convinced that under your leadership, whatever we do, it will be extremely relevant for the entire world. राष्ट्रपति जी, मैं फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस गर्मजोशी पर स्वागत के लिए। Once again, Mr. President, let me thank you profusely for this very warm welcome. Mr. President, when will vaccine deliveries under the Quad initiative start? When will vaccine deliveries under the Quad initiative start? खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच मुलाकात में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है, जिसमें अभी तक बाती है ये दशक भारत और अमेरिका के लिए बहुत अहम है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर दोनों देशों में समानता है, जो डेमोक्रेसी हम दोनों ही मुल्क चेरिश करते हैं उसको लेकर भी वहां पर बात कही गई। लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर इस दशक में टैलेंट का अपना
अलग महत्व है। भारत का टैलेंट अमेरिका के विकास में सहभागी है, यानी वो भारतीय जो यहाँ पर रहते हैं अपना योगदान देते हैं, उसका जिक्र पीएम ने किया। भारत और अमेरिका में तकनीकी क्षेत्र में सहयोग अहम है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। व्यापार में हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप ये बात करते थे। भारत यूएस संबंध में ट्रस्टीशिप का रोल अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि तकनीक पूरी तरह से मानवता के लिए उपयोगी होनी चाहिए। कोविड, क्लाइमेट चेंज, क्वाड पर अमेरिका से सहयोग की दरकार की है, प्रधानमंत्री मोदी ने। बाइडेन ने कहा महात्मा गांधी का पैगाम अहिंसा और सहिष्णुता को याद रखना है, और ये जो बाइडेन की तरफ से संदेश था, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो हमने आपको बताया। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा स्वतंत्र खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर भी चर्चा होगी, यानी साफ संकेत है कि कैसे वहां पर एक रणनीति बने। कोरोना, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी, ये बाइडेन ने कहा है। दोनों देशों में संबंध और मजबूत करने पर भी चर्चा होगी, बाइडेन ने कहा। द्विपक्षीय बैठक के लिए पीएम मोदी से मुलाकात होगी। तो ये कुल मिलाकर तस्वीर अभी तक जो हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बाइडेन की मुलाकात हुई है, उसमें साफ कहा गया है कि एक तरफ इंडो पैसिफिक रीजन में क्या कुछ हो, किस तरह की रणनीति बने, इस पर चर्चा होगी। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के दौर में महात्मा गांधी की बात नरेंद्र मोदी ने भी की, और जो बाइडेन ने आज के दौर में महात्मा गांधी के पैगाम को याद रखना बेहद जरूरी है, ये जो बाइडेन ने कहा है। तो जो बाइडेन ये कहते हुए कि आज के दौर में महात्मा गांधी और उनके मूल्यों को याद रखना जरूरी है, साफ संकेत कि दोनों ही देश, और ये फोटो सेशन अब आप देख रहे हैं, दोनों ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, महात्मा गांधी का जिक्र आना, उन्हीं के साथ क्या जो भरोसा, विश्वास और सच्चाई का जो पैगाम है उसको सलाम करते हुए दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष आपको दिख रहे हैं। तकनीक का कैसे इस्तेमाल हो, कोविड, क्लाइमेट चेंज, क्वाड, इन सब पर अमेरिका किस तरह से सहयोग करता है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। व्यापार में हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि व्यापार के क्षेत्र में, ट्रेड में हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो वहां पर मिलती है, और ये तस्वीर बड़ी खास है क्योंकि आप देख रहे हैं इस वक्त दोनों देश में, चाहे राष्ट्रपति जो बाइडेन हो और नरेंद्र मोदी हैं, दोनों की गर्मजोशी के साथ मुलाकात हो रही है। ये वीडियो जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये बताता है कि किस तरह से दो महाबली आज मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, और जिस गर्मजोशी से इनकी मुलाकात हो रही है वो ये साफ संकेत देता है, बताता है कि दोनों देशों में आने वाले वक्त में एक अनूठा और जबरदस्त रिश्ता हम देखेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सुनाते हैं आपको जो बातचीत वहां हो रही है, एक बार सुनाइए हमारे। The Indian press is much better behaved than the American press. I got to watch out, they'll knock one another down. And I think, with your permission, we should not answer questions because they won't ask any questions on point. तो अब आइए आपको दिखाते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैवलकेड इसी व्हाइट हाउस में पहुंचा, उसके बाद दोनों की बातचीत हुई, और फिर ये जो गर्मजोशी के साथ दोनों की मुलाकात हुई है, पूरी बातचीत, क्योंकि आज ऑन कैमरा माइक के साथ पूरी बातचीत सामने आई है, तो वो हिस्सा भी जरा आपको सुनाते हैं। Welcome back. It's a great honor to see you. I appreciate it very, very much. मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि फिर से आज एक बार आपसे मिलने का मौका मिला। Indeed, it's a national great happiness to me that I again, once again, have an opportunity to meet you. Me as well. All right, come on, please. Right there. That chair is occupied by the Vice President of the United States. Indian American. Indian American. Yes. You're too proud. I'm proud too. Please, please.
bring in the press, the Indian press. Yeah. Yeah, जो एक पूरी कहानी आज लिख रही हैं, जिस गर्मजोशी के साथ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, जो बाइडेन के साथ मुलाकात की, और यही गर्मजोशी आने वाले वक्त में किस तरह से परिवर्तित होती है एक गाढ़े रिश्ते में, एक मजबूत रिश्ते में, इस पर पूरे विश्व की नजर होगी। लेकिन खास बात, महात्मा गांधी के इर्द गिर्द आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, पीएम मोदी ने कहा इट्स अ ग्रेट ऑनर टू मीट यू, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो बाइडेन से, और एक संदेश जो इस आप देख सकते हैं गर्मजोशी के साथ मुलाकात पर है वो यही है कि कैसे आने वाले वक्त में ये रिश्ता और भी मजबूत हो सके। तो चलिए, सैयद जफर इस्लाम और अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अभय जी, जरा आज के दिन तो खुश हो लीजिए, यहाँ पर तो जो भारतीय हैं बड़े खुश हैं, और ये तस्वीरें भी अंदर से आ रही है, काफी गर्मजोशी से मुलाकात हुई है अभय जी। नहीं अंजना जी, बिल्कुल, और उसमें चार चांद आपकी जो पूरी व्याख्या है वो लगाती है। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार दो नेता गर्मजोशी से मिले हैं, दो देश भी गर्मजोशी से मिले, क्योंकि हमने देखा है पहले प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका की यात्रा पर जाते थे और ट्रंप साहब से गर्मजोशी से मुलाकात करते थे, तो उसके परिणाम क्या हुए, भारतवर्ष को उसका क्या लाभ मिला, ये हमको देखना होगा। तो जो प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस भारत का था वो ट्रंप साहब ने खत्म कर दिया। हम ट्रेड प्लस पार्टनर हैं अमेरिका के, 23.8 बिलियन ट्रेड प्लस, अर्थात हम अमेरिका को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से इंपोर्ट कम करते हैं। अब हुआ ये कि 2000 आइटम में से थे जो 70 के दशक से हमको जिस पर ड्यूटी का एग्जम्पशन था वो ट्रंप साहब ने समाप्त कर दिया। दूसरी बड़ी बात, जब क्लाइमेट चेंज की आप कर रही हैं, तो हमको याद रखना चाहिए कि जो पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन था जिसमें 197 देश थे, प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की यात्रा के दो दिन पहले ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया एंड चाइना आर ईटिंग अवर लंच, और वो उस कन्वेंशन से बाहर हुआ हम पर, हिंदुस्तान पर आरोप लगाते हुए, जबकि हमने 450 गीगावाट का टारगेट रखा था, जिस पर हमको बड़ा झटका लगा। हमें देखना चाहिए H-1B वीजा को किस प्रकार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक दिया था, तो कम से कम ये दोहराया ना जाए। और जहां तक क्वाड का प्रश्न है, तो बिल्कुल इंडियन ओशन और वेस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक ओशन में चाइना अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, और 60% मैरीटाइम ट्रेड वहां से होता है, 7.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का, तो उसमें चारों देश साथ में आए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन साथ साथ हमको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि रशिया, जो हमारा ऑल वेदर अलाई था, वो भी इस बात से नाराज है, तो पैरेलली हमको वहां पर भी रिलेशन डेवलप करने होंगे। और ये ध्यान रखना होगा कि 29 फरवरी 2020 को जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तालिबान के साथ अनुबंध किया है, उसको वो फुलफिल करेंगे, आज नहीं तो देर से ही सही, लेकिन अमेरिका का कंपल्शन है, आप याद रखिएगा इस बात को। डीलिस्टिंग भी होगी, जिनको आप टेररिस्ट बता रहे हैं उनकी डीलिस्टिंग, क्योंकि एग्रीमेंट में इस सारी बातों का उल्लेख है। अंजना जी, आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं, जो सबसे बड़ा कंसर्न हिंदुस्तान का होना चाहिए तालिबान को लेकर, जो हाल ही में हमने देखा कि 3000 किलो का हेरोइन हिंदुस्तान में एक पोर्ट से पकड़ा गया, अडानी जी के पोर्ट से, और उस पर बड़ी बात यह कि पूरे विश्व में 5 लाख टन टेलकम पाउडर के नाम पर यह भेजा जा रहा है अफगानिस्तान से। पूरे विश्व को इस बात की चिंता करनी होगी, क्योंकि 2.25 लाख करोड़ रुपए का तो हमारे पोर्ट से वो गायब है, जिसमें समाचार पत्रों ने रिपोर्ट किया, तो एक बड़ा कंसर्न हमको होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान प्रायोजित है, साफ देखा जा रहा है। और रशिया ने और चाइना ने एक क्वाड के पैरेलल एक और अपना गठबंधन बनाया है, तो हमको पैरेलली हमारा ऑल वेदर अलाई से भी संबंध अच्छे रखने होंगे, और अमेरिका से खासकर हमको ट्रेड के ऊपर निगोशिएट करना होगा। मैं अपेक्षा करता हूं मोदी जी ने बात की होगी, क्योंकि जिस GSP का से हमको बाहर कर दिया है उसमें लाना होगा। देखिए अंजना जी, तस्वीर जनमाहट के आगे क्या जवाब दीजिए।
देखिए, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो अमेरिका में, चाहे किसी पार्टी का, दो पार्टियां हैं वहां पर प्रमुखता से, और दोनों में से कोई भी प्रेसिडेंट हो, हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिस गर्मजोशी से पहले के प्रेसिडेंट मिलते थे, आज उसी गर्मजोशी से आज भी व्हाइट हाउस में उसी तरह से खैर मकदम किया गया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का वहां भी। उससे साफ दो बातें झलकती है कि हिंदुस्तान एक जो इक्वल पार्टनर्स है, और हिंदुस्तान की भी उतनी ही जरूरत है अमेरिका को जितना अमेरिका को हिंदुस्तान की जरूरत है। इसलिए ये जो पार्टनरशिप की बात उन्होंने कही, दो बड़ी जो चाहे वाइस प्रेसिडेंट ने चाहे बाइडेन ने, दोनों ने कही एक बात पे बहुत जोर और एम्फेसिस डाल के कहा कि दोनों मुल्कों के रिश्ते और मजबूत हैं, स्ट्रेटेजिकली और मजबूत होने चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, उससे साफ दिखता है कि आगे आने वाले दिनों में चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो बायलैटरल ट्रेड हो, चाहे और भी कई ऐसे मिलिट्रली सपोर्ट हो या कोई और भी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट हो, एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ हम एक दूसरे को मजबूत करके चलेंगे। और जो बाइडेन जो वहां के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों डेमोक्रेसी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, और दोनों के जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो प्रधानमंत्री जिसका जिक्र किया, वहां के जो ग्रोथ में और वहां के विकास में उनका बड़ा भागीदारी है। इसलिए उन्होंने इस बात को भी जताया कि हिंदुस्तान के और हिंदुस्तानी जो वहां रहते हैं, अमेरिकन नेशनल हो गए, लेकिन उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है वहां के ग्रोथ और वहां के डेवलपमेंट में। तो ऐसे में लगता है कि जितनी अच्छी माहौल में बात हुआ, जिस तरह का रिसेप्टिवनेस था और जिस तरह का माहौल और पॉजिटिव अप्रोच दिख रहा था, ना कि जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर दिखते हैं तो वहां मीडिया भी सुस्त रहती है और वहां का प्रेसिडेंट भी सुस्त दिखते हैं, लेकिन आज गर्मजोशी दिखी सब तरफ। हाँ, कुछ मुल्कों में जरूर आंखों में ये जरूर खटक रहा होगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी वहां अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ बायलैटरल डिस्कशन कर रहे हो, ऐसे में पाकिस्तान जैसे और कुछ हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जो जिनको खान मार्केट गैंग के लोग और कुछ अपोजिशन पार्टी जिनको आज यहाँ मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए, तीन तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो गर्मजोशी हमने देखी। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो ओबामा से मिले और एक अलग गर्मजोशी उस वक्त दिखी थी। फिर दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई, वहां एक गर्मजोशी थी। और फिर तीन तस्वीरें आज बन गई, क्योंकि आज तीसरी तस्वीर जो बाइडेन की है। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति का जिस गर्मजोशी के साथ आप मिलना जुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देख रहे थे, क्योंकि हमने हमेशा देखा हाउडी मोदी के दौरान में हमने देखा, और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बहुत बड़ा इवेंट किया नरेंद्र मोदी ने, उसमें हम लोगों ने देखा था दोनों के बीच में किस तरह की केमिस्ट्री है। और जब ट्रंप इंडिया आए थे तब भी उन्होंने मोदी के बारे में जिस तरह से कहा था, मोदी मेरा दोस्त है, तो एक अलग सी केमिस्ट्री थी। अब यही उम्मीद कि क्या वही एक दोस्ती का नजारा हम यहाँ पर भी देखेंगे, जो बाइडेन के साथ उनकी दोस्ती आगे मजबूत हो सकती है, जिसकी गर्मजोशी के साथ आज शुरुआत हुई है, क्योंकि बतौर प्रेसिडेंट ये उनकी पहली मुलाकात है। सबसे दिलचस्प होगा अभय दुबे जी, इन तीन तस्वीरों पर आपका कमेंट, क्यों ये गर्मजोशी आप लोगों को दिखती है, या फिर आपको लगता है कि इसके पीछे भी कुछ कुछ ना कुछ साजिश है, कोई चाल है? अंजना जी, अगर 10 सेकंड मुझे दो, उसके बाद दुबे दो देशों के संबंधों का मत है। हमने देखा कि इस्लाम साहब पूरा कर ले, एक बार पूरा कर। मैं सिर्फ दुबे जी 10 सेकंड लूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दुबे जी हमारे मित्र जो है, वो उन्होंने कहा कि ट्रंप के मीटिंग के बाद जिस वक्त के प्रेसिडेंट थे, कई फैसले ट्रंप ने जो लिए। देखिए, आपको हम अपने देश के हर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपने देश के को ध्यान में रख के उसके जो फायदे में होता है वो डिसीजन लेता है। मुझे कोई इससे गुरेज नहीं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस वक्त क्या डिसीजन लिया और हमने क्या डिस, हम भी अपने अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करके चलते। अगर प्रधानमंत्री वहां गए हैं तो प्रधानमंत्री अपने देश की इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने गए हैं, ना कि अमेरिका के इंटरेस्ट को। उसी तरह अमेरिका करता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन जब बायलैटरल इक्वेशन बहुत अच्छा हो तो आगे आने वाले दिन भी बहुत अच्छे होते, इसका ध्यान रखने। ये क्रिटिसिज्म गलत है आपका कि उस वक्त कोई डिसीजन तो लेना है, हर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को अपने देश के हित में फैसला लेना है। नहीं अंजना जी, ठीक है, देखिए जी, अब आप बोलिएगा तो, और तीनों कमेंट पे ठीक है आप उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन जो तीन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जिस गर्मजोशी पर मैंने सवाल पूछा था उसका पहले जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, जो गर्मजोशी की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है, गर्मजोशी से मिलते हैं नेता।
और वो मिले भी हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या हुआ? मैंने आपको कहा कि प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस भारत का जो 70 के दशक से था, आप कल्पना कीजिए कि जो हम जो वस्तुओं को ड्यूटी फ्री भेजते थे अमेरिका को, उसने इम्पोज कर दी, क्योंकि वो कहता है कि मैं जो ट्रेड प्लस स्टेटस है भारत का, उसको पसंद नहीं करते थे वो। यही नीति फिर क्यों पलट दी? अगर देश के हित में नहीं था तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही कहा था कि अमेरिका के साथ ये क्रूरता थी कि H-1B वीजा पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रोक लगा देना, या पेरिस कन्वेंशन में फिर से अमेरिका के जुड़ जाने की बात उन्होंने कही, तो ये और भारत पर आरोप लगाकर। दूसरी बात मैं बताता हूं, गर्मजोशी की तस्वीर हमने चाइना के प्रेसिडेंट के साथ भी, जिनपिंग के साथ भी देखी थी, क्या परिणाम हुआ? परिणाम सिर्फ एक ही सामने आया कि जो ट्रेड डेफिसिट इंडिया और चाइना का था $38 बिलियन 13-14 में, वो $63 बिलियन तक, मतलब पूरा भारत की सरहदों के साथ व्यापार भी हमने चाइना को सौंप दिया था, और परिणाम क्या देखने को मिले? तो मैं चाहता हूं दो देशों के संबंध ट्रंप इस बार ना हो। मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि आज जरा जो भारतीय यहाँ पर मौजूद है उनकी गर्मजोशी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ लोग जो मौजूद है उनके पास चलते हैं। भारतीय जो यहाँ पर है अब धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। आप तो कल भी शाम में आई थी, किस तरह से? आइए आप लोग, आइए आज तक पर आइए, और जरा बताइए प्रधानमंत्री ने और जो बाइडेन की तस्वीरें आई है, काफी गर्मजोशी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। बिल्कुल, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। आप डॉक्टर हैं? जी, मैं डॉक्टर अंजुप्रीत। डॉक्टर ने आज छुट्टी ली हुई है, आज पेशेंट्स नहीं, आज मोदी जी। जी बिल्कुल, जब मोदी जी यहाँ जितने लोग आए हैं उतने सब लोग अपनी छुट्टी ली है, और यहाँ पे सुबह 7 बजे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि एक नजर मोदी जी को देखने मिले, उनको देखने। वी आर वेटिंग सुबह से आपको डांस करते देख रहे हैं। हमने मोदी जी यहाँ पे, हम लोग बहुत खुश है उनको। आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, जब इतने लोगों ने पढ़े लिखे एजुकेटेड वर्किंग क्लास वो लोग ऑफ लेके आज बैठे हैं, तो उनका अपने प्राइम मिनिस्टर के प्रति कितना रुझान है और उनसे कितनी उम्मीदें हैं। वी ऑल लव मोदी जी एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर हिज विजिट एंड ट्रिप ओवर हियर, लाइक टू सी बाइडेन एंड हिज मीटिंग्स विद हिम, एंड इट्स गोइंग टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन। आप लोगों ने ये पोस्टर भी लेकर आए? जी जी जी, वी केम ऑल द वे फ्रॉम मैरीलैंड। मैरीलैंड से आप आई हैं, कितने घंटे का ड्राइव है? एक घंटे का ड्राइव है। आप तो न्यूयॉर्क से आए हैं? तो न्यूयॉर्क से आए, न्यू जर्सी में रहते हैं, और अभी मतलब कई रिश्ते खोजे, एक बनारस वाला भी खोज लिया पीएम से। हम लोग बनारस के तो रहने वाले हैं, तो बनारस को कैसे भूल सकते हैं? हर हर मोदी गुजरात के आए हैं जितने, वो कैसे गुजरात से है हम, और एयरपोर्ट पे भी गए थे, कल भी हमने इंटरव्यू दिया, आज भी हम आए, 3 दिन की छुट्टी लेके हम आए हैं, तो आप इमेज कर सकते हैं। मैं मोदी आई हूँ, कल मोदी ही पहुंची मैं 9 बजे, तो ऊपर उठा के कोई पीछे पकड़ लीजिए वो बेटर। आपने जो गर्मजोशी की बात कही, वो प्रधानमंत्री जो बाइडेन और ये गर्मजोशी से मिले, तो वो गर्मजोशी सिर्फ नेशनल हेड्स के लिए नहीं है, वो गर्मजोशी पूरे भारत के लिए, पूरे यूएसए की है, और उस चीज को मोदी जी जो है पूरे विश्व पटल पे दिखा रहे हैं भारत की। आप बताइए मैम। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? मोदी जी अंदर मिल चुके हैं जो बाइडेन से, और काफी गर्मजोशी की तस्वीरें आई हैं दोनों की। हाँ, देख करके बहुत बहुत खुशी हुई। वी आर जस्ट लुकिंग टू गेट द मोर डिटेल कि क्या बात की उन्होंने। हाँ, क्या कुछ निकला। आइए मैम, आप आइए, आइए आइए। आप लोग भी आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? यही वॉशिंगटन? वर्जीनिया से। वर्जीनिया से? पीएम मोदी के लिए? जी बिल्कुल, आज छुट्टी भी है ऑफिस से, तो और मोदी जी आए हैं तो आ गए यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख कर, बहुत मजा आ जाएगा। चाह रही है कि लॉन में निकल के हम लोगों को मिलने के लिए आए, हम लोग यहाँ तरस रहे हैं मिलने के लिए, तो आना ही चाहिए उसको, हर बार आते हैं तो इस बार क्यों नहीं। मैम, मैं तो वॉशिंगटन DC से ही हूँ, और आज गर्मी नहीं है लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है, क्योंकि मोदी जी के हिसाब से पूरा माहौल गर्म हो गया है। तो जी, मैं कनाडा से आई हूँ, कल रात ही पहुंची हूँ 9 बजे, और मैं मोदी जी को देखने के लिए आई हूँ, और मैं चाह रही हूँ एक बार उनको देख सकूँ इन पर्सन, और एक बार उनसे हाथ मिलाने को मिल जाए, फिर तो मेरा ये US का ट्रिप सफल हो जाएगा। बिल्कुल, तो कनाडा से आप यहाँ आ गई कि शायद मोदी जी दिख जाए? शायद मोदी जी दिख जाए, बिल्कुल इसी उम्मीद से आई हूँ। क्या सोचती हैं आप, क्यों आपको लग रहा है कि उनसे मिलना जरूरी है, ग्लोबल लीडर के तौर पर क्या मानती हैं? मैं सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, मोदी जी इंडिया से, भारत देश से यहाँ पे आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाने के लिए, और बाइडेन के साथ अपना रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, तो
भारतवासी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम आए और अपने पीएम को सपोर्ट करें, तो मैं उसी लिए आई हूँ उन्हें सपोर्ट करने। हम भी चाहते हैं कि हमको मोदी जी का एक तो झलक मिले देखने को, झलक के लिए भी आए हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए भी आए हैं, हम सपोर्ट करने के लिए भी आए हैं। ये बच्चे क्या वहाँ पर डांस परफॉर्म करने गए थे? ये वही बच्चे हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये बच्चे डांस परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। उनसे पूछते हैं, आपने परफॉर्मेंस कर दी क्या? आपने परफॉर्मेंस की? Performed. How was it? It was amazing. इसके सामने परफॉर्म कर किया? Where did you perform in front of whom? अच्छा, बहुत सारे यू वर परफॉर्मिंग, ओके आई एम गोइंग टू टॉक टू यू इन इंग्लिश, आई जस्ट होप माय व्यूअर्स अंडरस्टैंड इट, सो यू वर परफॉर्मिंग हियर जस्ट टू सपोर्ट द प्राइम मिनिस्टर, राइट? यस, वेलकम द प्राइम मिनिस्टर, सो वेलकम द प्राइम मिनिस्टर। डिड दिस कैवलकेड गो फ्रॉम हियर? We're not sure, but a lot of people think he did, so they were like here waving at him. Are you too tired or do you want to show us what you did there? It's up to everybody. I think we have to leave now. थैंक यू सो मच। तो ये वो बच्चे थे जो अलग अलग जगह पर ये पारंपरिक वेशभूषा और ये जो जोश है आप समझ रहे होंगे। व्हाट टाइम डिड यू कम इन द मॉर्निंग? वी वोक अप एट लाइक 5, गॉट रेडी एंड देन केम द बस, द केम एट लाइक 8, सो वी गॉट हियर बाय लाइक 9। 4 hours, 4.5 hours, यू मस्ट बी टायर्ड। थैंक यू। 4.5 घंटे से इंतजार कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक मिल जाए, एक डांस परफॉर्मेंस उनकी चल रही थी। तो ये जोश और उत्साह भारतीयों में देख रहे हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। हालांकि अब भीड़ काफी कम हो गई है, लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब जो चर्चा हम लगातार कर रहे थे, वो एक बार फिर से वापस आते हुए सवाल यही है कि अब यहाँ से आगे का रिश्ता, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन भी ज्वाइन करेंगे और फिर उसके बाद जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी ज्वाइन करेंगे बातचीत में, सबकी नजर रहेगी कि कैसे ये चर्चा आगे जाती है और क्या हम हासिल कर पाते हैं। बिल्कुल, देखिए रंजना जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि देश का प्रतिनिधि जो करते हैं, जो प्रधानमंत्री हमारे कर रहे हैं, उनको बिल्कुल क्लैरिटी है कि हमें हमारे देश को किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें इस पूरे डिस्कशन में क्या लेकर आना है देश के लिए और क्या देना और क्या नहीं देना है, ये बहुत क्लैरिटी रहती है प्रधानमंत्री जी को। तो इसलिए मुझे बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह के डिस्कशंस हुए हैं ये और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से भारत प्रमुखता से अपनी बात रख पाता है, पहले आप देखिए एक कमजोर देश था हिंदुस्तान, अब इस तरह की बातें जब सुनता हूं मैं कांग्रेस के लीडर से तो मुझे लगता है अफसोस की पुरानी बात अभी भी बात करते हैं, एक कमजोर देश की तरह हिंदुस्तान को पेश करते हैं। वक्त बदल गया है, हिंदुस्तान एक मजबूत देश हो गया है, यहाँ की लीडरशिप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मानी जाती है लोहा की तरह के, यहाँ की लीडरशिप को, हमारी बात को प्रमुखता से सुना जाता है दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर। तो ये वक्त बदले हुए वक्त में हम मजबूत हो रहे हैं, मजबूत होंगे तो जाहिर है हम अपनी बात को और प्रमुखता से रख पाएंगे और वो स्ट्रेटेजिकली जितने इनिशिएटिव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं उसका असर भी आगे आने वाले दिनों में, जिसकी बार बार आप पेशकश कर रहे हैं, वो दिखेगा और हिंदुस्तान आग चाहे ट्रेड में हो, चाहे जो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे आपने एजुकेशन के बारे में जैसे स्टूडेंट वीजा के बारे में हो, या बायलैटरल बहुत सारे जो अंडरस्टैंडिंग होती है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उसके बारे में कि बहुत डिटेल में इस बार चर्चा करेंगे, तो जाहिर है ये सारी चीजें बात प्रमुखता से हुई और देश में को बहुत इसका आगे आने वाले दिनों में फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आज देश में, हमारे देश में क्या चीज की कमी है? देखिए हमारे देश में सब कुछ कमी है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास रिसोर्सेस है, हमारे पास देखिए आग्रह करना चाहता हूँ कि आज हमारे पास सब कुछ है। कभी भी सुनिए जफर जी, सुन लीजिए, भारत कभी भी कमजोर देश नहीं था। मैं इस बात का पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भारत को कमजोर बताए। इन्होंने कहा पहले बात सुनी जाती थी, मैं अभी की बात कर रहा हूं जफर इस्लाम साहब, 31 अगस्त को भारत के राजदूत कतर में मिले तालिबान से और देश को आश्वस्त किया था कि भारत के नागरिक जो फंसे हुए हैं वो वापिस आएंगे। 20-22 दिन हो गए, आप उस पर बात भी नहीं करते। आपने बड़े ट्रेड की बात की, अमेरिका क्या चाहता है मैं बताता हूं अंजना जी, अमेरिका चाहता है कि भारत के एग्रीकल्चर में, भारत के डेयरी में, भारत के मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में उसको फ्री एक्सेस दिया जाए, जो भारत के हित के लिए अच्छा नहीं है, आप इस बात का संज्ञान लीजिएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने जो तालिबान के साथ
किया है जो 29 फरवरी 2029 को बाकायदा पत्र जारी करके प्रशंसा की, उसी दिशा में ये संबंध आगे बढ़ेंगे। तो भारत को अपने हितों की रक्षा करने के लिए इस गर्मजोशी की बात एक अलग है, लेकिन हमको अब भारत के हितों को आगे रखना पड़ेगा बजाय कि प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि के। अब तक हम उनकी छवि को लेकर ही प्रचारित करते रहे लेकिन परिणाम नहीं आए। तो मैं आग्रह करता हूं कि चाइना को लेकर अगर चाइना को लेकर अगर अमेरिका के कंसर्न्स हैं तो स्वाभाविक रूप से हमको उसका सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए, लेकिन हमारे ऑल वेदर अलाई रशिया के साथ भी हमारे संबंधों की प्रगाढ़ता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस बॉट को लेकर सिर्फ चाइना ने नहीं, रशिया ने भी हमारे खिलाफ बोला है, रशिया ने भी इन संबंधों के खिलाफ बोला और एक अलग से गठबंधन बनाया है। तो हमको अपने क्षेत्र में और खास करके जब तब अमेरिका चाइना रशिया आखिरी और सैयद जफर इस्लाम का तो यही है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे और चर्चा हमारी चलती रहेगी। लेकिन आज पूरे विश्व की नजर दो महाबलियों की इस मुलाकात पर है जिसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात हो रही है। क्या क्योंकि देखिए आप क्वाड मीट भी होना है, उसमें ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये बायलैटरल मीट रखी गई है तो इसके कुछ मायने हैं, क्या कुछ इससे निकलता है लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।